वेलकम टू अभिपीडिया गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एज वेल एज सिविल सर्विसेज, जो भी स्टेट के हैं उनके लिए भी, ठीक है। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दिस टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, सो इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। नाउ फर्स्ट थिंग, आपने सुना होगा बहुत बार कि बायोडिग्रेडेशन क्या है, बायो रिमीडिएशन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है, और जब यूपीएससी के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो उसी कंफ्यूजन को अगर आपकी क्लियर नहीं है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेशन एंड बायो रिमीडिएशन। इसके अंदर कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, दैट शुड बी मोर देन इनफ, राइट। नाउ महाराष्ट्र के अंदर फ्यू इयर्स बैक क्या हुआ था कि एक ऑयल स्पिल हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ शिप का, जो ऑयल लेकर आ रहा था महाराष्ट्र के पास कोस्टल एरिया के अंदर, और वहां पे एक्सीडेंट हो गया और उससे जितना भी ऑयल था वो सारा समुंदर के अंदर चला गया। नाउ द थिंग इज, अब आपको ये समझना है कि उसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो, अगर कोई वाटर बॉडी के अंदर एक ऑयल की लेयर बनती है ऊपर, इट मीन्स इट विल रिस्ट्रिक्ट और डिक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट को डिक्रीज करेगा। सेकेंडली, नाउ ऑयल इज अ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का अलग इश्यू, देखो यहां पे फिशेस और बहुत से मैराइन स्पीसीज होंगी, जब सनलाइट नहीं आएगी तो जो प्लांट्स यहां पे कोस्टल एरिया के अंदर या थोड़े से नीचे हैं, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, दे विल डाई। अब जैसे ये डाई करेंगे, फूड चेन आपकी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये तो चलो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। सो इट मींस कि ऑयल स्पिल इज हार्मफुल। सेकंड थिंग इज, ऑयल इज हाइड्रोकार्बन, इट इज अ हाइड्रोकार्बन। इट मींस कि जितना भी ये फिशेस के अंदर या फूड चेन के अंदर जाएगा, एंड अल्टीमेटली उसके साथ ही क्या होगा कि विद द टाइम ये और बॉडीज के अंदर जाएगा, विच लीड टू बायो कम्युलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है अंडर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। चलो, इट मींस कि हाइड्रोकार्बन इज हार्मफुल, तो ऑयल स्पिल है उसको क्लियर करना पड़ेगा। नाउ ऑयल स्पिल को क्लियर कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाराष्ट्र के पास दो ऑप्शन थे, वन इज नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ऑयल इज हाइड्रोकार्बन, इट विल बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर देंगे, ये प्रोसेस है। सेकंड इज मैन मेड और विद द एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज, इन दिस नेचुरल प्रोसेस, लेट अस सपोज इट विल टेक 5 ईयर, एस्टिमेट लगाते हैं 5 ईयर टू 10 ईयर लेगा ये। क्यों? क्योंकि जितने बैक्टीरिया सी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, दे विल डिग्रेड हाइड्रोकार्बन, उनको हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करेंगे, बट दैट प्रोसेस विल बी वेरी स्लो। नाउ द सेकंड थिंग इज के मैन एफर्ट के साथ, अगर मैं मैन एफर्ट के साथ बोलूं तो दिस प्रोसेस विल बी फास्ट, दिस प्रोसेस विल बी फास्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोसेस, है ना। नाउ द थिंग कि महाराष्ट्र अगर तो कुछ नहीं करता, ऑयल स्पिल हो गया अब चुपचाप बैठा है, इट मींस कि ये नेचुरल प्रोसेस हाइड्रोकार्बन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करेंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो डिग्रेडेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो डिग्रेडेशन, राइट। इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिग्रेडेड ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्लाइड के अंदर मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो डिग्रेडेशन। नाउ अनदर थिंग के मैन मेड एफर्ट के अंदर भी, अब हाइड्रोकार्बन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायो डिग्रेडेशन, प्रोसेस इज सेम, ठीक है, बायो डिग्रेडेशन। बट क्योंकि ये ह्यूमन एफर्ट से हो रही है विद द टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायो
रिमीडिएशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोरिमीडिएशन। याद रखना दोनों के अंदर प्रोसेस क्या हो रही है, बायोडिग्रेडेशन। फर्क ये है कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, हमने कुछ नहीं किया, बट इसके अंदर ह्यूमन बीइंग ने एफर्ट किया। जैसे वो बोलते हैं ना डॉक्टर आया कोई रेमेडी दो, घर में अपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे होंगे, कोई बोलते हैं ऐसा अगर आपको हो गया तो ये रेमेडीज है, अब ऐसा करो वैसा करो, दैट इज अ रेमेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। तो यहां पे महाराष्ट्र ने क्या किया था उस टाइम के ऊपर, दे इंट्रोड्यूस, पहले इसकी ये देखो बायो रिमीडिएशन टेक्निक अप्लाइड बाय पीपल टू क्लीन ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर सब्सटेंस बाय यूजिंग माइक्रोब्स विद द बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस ही है, लेकिन कर कौन रहा, ह्यूमन बींग, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। नाउ इन्होंने क्या किया, ऑयल स्पिल को क्लियर करने के लिए दे यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन को खाते हैं, दैट इज ऑयल जेपर। दे इंट्रोड्यूस ऑयल जेपर, ये बैग्स के अंदर आता है, इसको उन्होंने सी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। नो दे विल डिग्रेड, कौन सी प्रोसेस करेंगे, बायो डिग्रेडेशन, दे ऑल्सो डू बायो डिग्रेडेशन एंड क्लीन द सी, राइट। तो इन्होंने ऑयल जेपर को यूज किया, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ऑयल जेपर क्या है, दे आर बैक्टीरियाज एक्चुअली। ठीक है, नो दिस होल प्रोसेस बिकॉज इट इज डन बाय ह्यूमन एफर्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो यहां से एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वेयर एवरी कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर इन यूपीएससी। अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आपको एग्जाम्पल याद है, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड आते हैं। सो दिस इज अ बायो रिमेडिएशन एंड दिस इज अ बायो डिग्रेडेशन। और प्रोसेस एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे आपके घर के बाहर गार्डन है, ठीक है, अब आपको पता लगा कि उसके अंदर बहुत सारे मरकरी या आर्सेनिक, बहुत सारी कंटेमिनेटेड सॉइल है, अब वहां पे कुछ इतना ग्रो नहीं हो रहा, अगर ग्रो होगा तो प्लांट की रूट्स के थ्रू अंदर चला जाएगा, आप खाओगे तो आपके अंदर चला जाएगा। अब आपने सोचा कि मैंने इसको सॉइल को क्लीन करना है, डीकंटेमिनेट करना है, आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक तो वहां पे नेचुरल प्लांट्स हैं, जो नेचुरल प्लांट्स वो क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपके गार्डन के अंदर नेचुरल प्लांट्स लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, दे विल नेचुरली डिग्रेड दैट पर्टिकुलर नॉन बायोडिग्रेबल कंपोनेंट, उसको नेचुरली डिग्रेड करेंगे। तो नेचुरली अगर प्लांट्स कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फाइटो डिग्रेडेशन नेचुरली, बट दिस प्रोसेस विल बी वेरी स्लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने कंसल्ट किया बहुत सारा है ना, तो उसके बाद एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर प्लांट लगाओ क्योंकि ये बहुत जितने केमिकल्स हैं सॉइल के अंदर उसको बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है। अब ये क्या है, ह्यूमन एफर्ट, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे फाइटो रिमीडिएशन, फाइटो रिमीडिएशन, देन दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फाइटो रिमीडिएशन। नाउ नेक्स्ट थिंग, फाइटो रिमीडिएशन एंड फाइटो डिग्रेडेशन हो गया, नाउ द थिंग इज अब बायो रिमीडिएशन को करते कैसे, बायो रिमेडिएशन अब इसको हम कैसे करेंगे। देखो अगर सॉइल के केस के अंदर दो तरह से हो सकती है, वन इज इन सीटू, अनदर वन इज एक्स सीटू, कि अगर कोई कंटेमिनेटेड सॉइल है तो आपने वहां पे ही कुछ ना कुछ एफर्ट कर दिया, आपने प्लांट्स ग्रो कर दिए या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिए जिससे वो प्रोसेस हो गई उसी प्लेस के ऊपर, ठीक है, विद द टाइम। सेकंड दैट इज कॉल्ड इन सिटू एट सेम प्लेस, सेकंड इज एक्स सिटू एट अदर प्लेस। यहां पे क्या करोगे, इन केस ऑफ एक्स सिटू यू विल एक्सकवेट, एक्सकवेट करेंगे उस पर्टिकुलर सॉइल को, ठीक है, जहां तक उसकी डेप्थ कंटेमिनेटेड है उसको हम एक्सकवेट करेंगे एंड देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर एरिया और वहां पे बायोरिएक्टर के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर हम डाल देंगे, वहां पे सॉइल घूमेगी और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे टू डीग्रेड दीज कंपोनेंट। नो दिस इज कॉल्ड एक्सिटू, ठीक है, आपने अलग जगह पे सॉइल ले गए और उसको किया, दैट्स राइट। नाउ बायो रिमेडिएशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन अदर वेज एज वेल, बायो रिमेडिएशन को हम एक तरीका है टू क्लासिफाई इट इन कंटेक्स्ट ऑफ इन सीटू एज वेल एज एक्सिटू। नाउ अनदर मेथड इज
यू कैन ऑल्सो क्लासीफाई बायो रिमेडिएशन एज बायो स्टिमुलेशन, वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई इट एज बायो स्टिमुलेशन एज वेल एज बायो ऑगमेंटेशन। दो तरीके हैं, नो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो आपकी स्लाइड के ऊपर मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। नाउ अब ये कंटेमिनेटेड सॉइल है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अ कंटेमिनेटेड सॉइल। अब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन, एंड द वेरियस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जिसको ये डिग्रेड करेगा, ठीक है, राइट। नाउ इन दिस केस हम क्या करेंगे, नेचुरली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कंपोनेंट को डिग्रेड करेंगे, राइट, बट हम इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए बाहर से न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। न्यूट्रिएंट ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो दैट के जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनको डिग्रेड करेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सॉइल इन अटेम्प्ट टू इनवाइगोरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, उनकी हमने ग्रोथ इंक्रीज करनी है, दिस इज कॉल्ड बायो स्टिमुलेशन। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि बायो स्टिमुलेशन इतनी फास्ट नहीं है, लेस फास्ट है, क्यों? बिकॉज आपने न्यूट्रिएंट तो दे दिए, अब उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो डिग्रेड नहीं करते नेचुरली जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, कुछ ऐसे होंगे जो डिग्रेड करते हैं। अब वो वाकई में डिग्रेड करेंगे नहीं करेंगे ये हम कह नहीं सकते, बट यस नेचुरल से थोड़ी सी फास्ट है, ठीक है, बट इतनी भी फास्ट नहीं है कि ये बहुत जल्दी सॉइल को क्लीन करते। नो दिस इज अबाउट बायो स्टिमुलेशन। नाउ अनदर थिंग इज बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन के अंदर हम बोलते हैं भाई न्यूट्रिएंट नहीं देने, न्यूट्रिएंट को छोड़ो, सेम केस है, ऑर्गेनिक है, कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, हम इंट्रोड्यूस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेदर देन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, राइट, उसको बाहर हम कल्चर करेंगे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विच कैन डिग्रेड दीज कंपोनेंट एट वेरी फास्ट रेट, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन टू द सॉइल, दैट्स इट। नो दिस प्रोसेस विल बी मोर फास्टर। सो क्विकली हम रिवाइज करते हैं, देखो बायोडिग्रेडेशन अगर आया तो अगर आपको ऑप्शन आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज वेरी फास्ट, देन इट विल बी बायो ऑगमेंटेशन। बायो रिमेडिएशन के लिए वी नीड एक्सपर्ट्स, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि बायो जैसे ऑयल जैपर को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने इंट्रोड्यूस करना है विच कैन डिग्रेड, बायो डिग्रेडेशन के लिए ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। वेर एज इन केस ऑफ बायो रिमेडिएशन वी नीड एक्सपर्ट्स, है ना। नाउ द प्रोसेस ऑफ बायो रिमेडिएशन इज ऑल्सो अ कॉस्टली, क्योंकि जितने एक्सपर्ट लगेंगे जितनी रिसर्च होगी उसके अंदर उतनी ही प्रोसेस कॉस्टली होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बायो डिग्रेडेशन एंड बायो रिमेडिएशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया और समझ आया होगा, राइट। सो प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई और वीडियो बनानी है तो उसके ऊपर सजेस्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Thank you.